Thank you. Sri Rakesh Sinha, whoever want to associate, please send the slip. सभापति महोदय, लोकतंत्र का वैशिष्ट्य होता है कि हम उन सब लोगों की रक्षा करते हैं जो हाशिए पे होते हैं, और खास करके सांस्कृतिक विरासत का। मैं मेघालय के एक ऐसे गांव का जिक्र करना चाहता हूं, जहां की विरासत पूरी दुनिया के लिए एक सौंदर्य का विषय हो सकता है, इंटेंजिबल हेरिटेज का में आ सकता है। मेघालय का कोंगथोंग गांव है। उस गांव की आबादी 300 है, और उस गांव में जो भाषा बोली जाती है वो भाषा हमारी भाषा नहीं है, वो एक ट्यून तैयार करती है। माँ बच्चे के जन्म के बाद, हर बच्चे के जन्म के बाद एक ट्यून तैयार करती है। वह ट्यून लाइफ लॉन्ग उस बच्चे के, उस व्यक्ति के साथ रहता है। उसकी मृत्यु के बाद वह ट्यून जाता है, और उस ट्यून के आधार पर लोग एक दूसरे को बुलाते हैं। काफ़ी माउंटेन में दूर जो लोग रहते हैं, एक दूसरे को उसी ट्यून के आधार पर बुलाते हैं। इसी तरह का एक ट्यून कुस्कोई नाम के गांव में, नॉर्थ टर्की में है, और इसको व्हिस्लिंग विलेज कहते हैं। उसको यूनेस्को ने कल्चरल हेरिटेज, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया है। आज इस कोंगथोंग जो गांव है, वहां पर इस ट्यून का डिक्लाइन हो रहा है, क्योंकि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जिस प्रकार से हमारे समाज सभ्यता पर हावी हो रही है, वो विविधताओं को, भिन्नताओं को समाप्त कर रही है, और इसी कारण से यह गाँव और यहाँ की यह संस्कृति संकट में है। आप कल्पना कीजिए, हर माँ अपने बच्चे के लिए एक अलग धुन तैयार करती है, और हर व्यक्ति का धुन है ये, लगभग सदियों से हो रहा है। और यह धुन पहले तो आसपास के गांव में गया, अब धीरे धीरे सिमटता जा रहा है। मेरी भारत सरकार से और आपके माध्यम से, सदन से भी अपील है कि इस ट्यून को बचाने के लिए, इस विरासत को बचाने के लिए, और उसको इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज जो यूनेस्को का है, जैसे कुस्कोई विलेज को शामिल किया गया नॉर्थ कोरिया का, उसी तरह से मेघालय के कोंगथोंग गांव को भी शामिल किया जाए, और इसकी एक हेरिटेज लाइब्रेरी क्रिएट की जाए। जितने प्रकार के ट्यून्स हैं, उन ट्यून्स को रिकॉर्ड करके रखा जाए। यह हमारी सभ्यता की बड़ी बड़ी विरासत है। यही मेरी अपील है, और सदन से भी अपील है कि इस कार्य को करने में सरकार पर एक तरह से एक नैतिक